अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अब्दुल रहमान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बब सीट्स को यूज़ करते हुए किस तरह से पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। हम ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करके देखेंगे। सो सिंपली गाइस, आपने अपना जो है ब्राउज़र है आपका, ठीक है, उसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम सिंपली इसको मिनिमाइज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, तो हम वेब एप्लीकेशन एनालिसिस में, या हमारे पास बब सीट है, हम इसको ओपन कर लेंगे। तो बब सीट को रन करने के बाद ये हमें थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है बब सीट स्टार्ट होने में, तो वेट करेंगे जब तक कि हमारा बब सीट स्टार्ट हो रहा है। सो गाइस, बब सीट स्टार्ट होने के बाद बब सीट हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अपडेट का नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको हम सिंपली कैंसिल करेंगे। और इसको कैंसिल करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, टेम्परेरी प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, बब सूट एज डिफ़ॉल्ट एंड स्टार्ट बब सूट। सो एज़ यू नो कि हम विदाउट परमिशन जो है वो किसी भी वेबसाइट को पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस के जो कंपनी है वो हमें ऑथोराइज़ करे कि हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकें उसके ऊपर, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए या किसी भी तरह के अटैक वेक्टर को परफॉर्म करने के लिए जो है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो हम इसके लिए एक एथिकल वे इख्तियार करेंगे। यहाँ पे सिंपली अगर हम गूगल ओपन करते हैं, तो गूगल में यहाँ पे आपको नज़र आएगा वेलन वेब। आप सिंपल ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेलन वेब से रिलेटेड, यहाँ आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। तो पेज ओपन होने के बाद ये आपके सामने डिफरेंट यूआरएल हैं जिन पे हम टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं सिंपली। तो लाइक अगर हम यहाँ पे देखते हैं, testphp.valenweb.com, ये हमारे पास ओपन हो चुका है। तो लिंक हमारे पास ओपन हो गया है। तो अब हमने सिंपली क्या करना है कि बब सूट पे जाएंगे, और यहाँ पे बब सूट में आपको प्रॉक्सी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे प्रॉक्सी में अगर आप ऑप्शंस में देखें तो आपको यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा होगा 127.0.0.1। तो हम सेम यही सेटिंग अपने ब्राउज़र में करेंगे फॉर पोर्ट 8080। तो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाते हैं, और प्रेफरेंसेस में यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो नेटवर्क सेटिंग का टैब है हमारे पास, हमारे फायरफॉक्स ब्राउज़र में। तो सिंपली हम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन में हम पोर्ट 8080 के लिए जो है यहाँ पे 127, जो हमारा लोकल होस्ट का एड्रेस है, .0.0.1, और पोर्ट 8080 के लिए, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे हम ये अगर चेक है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको हम चेक कर देंगे ताकि ये हम तमाम प्रोटोकॉल्स के लिए इसे यूज़ कर सकें, जितनी भी ट्रैफिक है उसको इंटरसेप्ट कर सकें सिंपली। और यहाँ पे अगर कुछ है तो इसको आप इरेज़ कर दें, और सिंपली इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने एड्रेस देना है, यहाँ पे पोर्ट देनी है, चेक लगाना है, ठीक है, चेक करना है कि यहाँ पे कोई प्रॉक्सी सेट तो नहीं है कि जिसके लिए प्रॉक्सी ना यूज़ की जाए। तो सिंपली अब हम ये सेट कर चुके हैं, इसको ओके करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो बब सूट है, इस बब सूट में हम सिंपली क्या करते हैं, बब सूट में हम जाएंगे हमारे इंटरसेप्ट पे, और यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा होगा इंटरसेप्ट इज़ ऑफ। अगर आपका इंटरसेप्ट ऑन है तो इसको ऑन रहने दें, ठीक है। और इंटरसेप्ट को हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हमारा पेज है, ज़रा पेज को अगेन रिफ़्रेश करते हैं। तो जब हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इंटरसेप्ट होना चाहिए इन HTTP हिस्ट्री, एंड हियर वी गो। तो ये test.php.valenweb.com, ये हमारे पास इस तरह से
आ रहा है, इट मीन्स हमारी जो रिक्वेस्ट हैं वो इंटरसेप्ट हो रही हैं। तो अब हमने अगर अटैक पर्पस के लिए जाना है तो हम मूव ऑन करेंगे हमारे अटैक पर्पस के लिए जो हमारी ये वलन वेब है, तो उसके लिए हमें टेम्परेरीली क्या करना पड़ेगा, हम जस्ट सिंपली इंटरसेप्ट को ऑफ करते हैं और यहाँ से हम प्रेफरेंसेस से प्रॉक्सी को ऑफ कर देते हैं ताकि हम जो है वो ब्राउजिंग वो एफिशिएंट वे में कर सकें। तो हम वक्ती यहाँ पे हमारी जो प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन है उसको नो प्रॉक्सी पे सेट करते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे आपको ये एक एरर शो हो रहा है। अच्छा, सिंपली हम क्या करते हैं, वेब पेज को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें जो लॉगिन पेज है उसके लिए जाना है। तो यहाँ पे वलियन वेब में ये लॉगिन पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस लॉगिन पेज को ओपन कर लेते हैं। ये है जी हमारा लॉगिन पेज, ठीक है। और लॉगिन पेज में हम क्या करेंगे कि सिंपली जो हमारी प्रेफरेंसेस और प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन को अगेन हम ऑन कर देते हैं ताकि हम जो है रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकें हमारे लोकल होस्ट के ऊपर बाय यूजिंग अ बब सूट। तो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन पेज आ चुका है। तो लॉगिन पेज में हमारे पास दो फील्ड्स हैं, एक यूज़र नेम की और एक पासवर्ड की। आपने रैंडमली कोई भी यूज़र नेम और कोई भी पासवर्ड इसमें एंटर कर देना है क्योंकि फॉर अ वाइल हमें जस्ट रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना है और आगे आप देखते जाइए कि हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे बब सूट में हमारा इंटरसेप्ट ऑफ है तो हम क्या करते हैं इसको सिंपली इंटरसेप्ट को ऑन कर लेते हैं। सो गाइस, इंटरसेप्ट यहाँ पे हमारे पास ऑन हो चुका है, प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली है। सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडम यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं। तो रैंडम यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हुए हम यहाँ पे सिंपली एडमिन एंड 1234 सो इसको हम लॉगिन करते हैं। तो अगर हम लॉगिन करेंगे तो ये बब सूट पे हमारे पास रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट होगी, ये हमारे इंटरसेप्ट में हमारे सामने है। सिंपली हम इसको क्या करते हैं, इसको हम अटैक वेक्टर परफॉर्म करने के लिए हम इसको सेंड करते हैं इंट्रूडर को। सो यहाँ पे इंट्रूडर के पास हम आएंगे। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमें एक अटैक टाइप को चूज़ करने का ऑप्शन है, ये हमारी सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो अगर हम यहाँ पे अटैक टाइप को चूज़ करते हैं तो यहाँ पे मैं क्लस्टर बॉम्ब एक अटैक वेक्टर है उसके लिए जाऊँगा। क्लस्टर बॉम्ब में बेसिकली आप यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों को सेम टाइम में जो है वो ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। तो सिंपली हम अटैक को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देख सॉरी पेलोड्स में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 दो शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमारा यूज़र नेम के लिए है और एक हमारा पासवर्ड के लिए है। तो हम सबसे पहले जो हमारा पेलोड सेट 1 है इसके लिए डिक्शनरी ऐड करते हैं। तो हम सिंपली ऐड करते हैं एडमिन ऐड। तो यहाँ पे आप पूरी फाइल भी लोड कर सकते हैं जो टेक्स्ट फाइल होती है जो आपके पास डिक्शनरी आती है। तो आप मैनुअली यहाँ पे भी एंट्रीज कर सकते हैं लाइक एडमिन 1 2 3 एड एंड एडमिन 1 2 एड एंड एडमिन। सो अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे एडमिन ऐड करेंगे, एडमिन 1 2 3 ये हमारा पासवर्ड के लिए ऐड कर रहे हैं हम। फिर हम ऐड करेंगे एडमिन और फिर हम ऐड करेंगे एडमिन 1 2। तो हमें जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो हमने अभी ऐड कर लिए हैं। तो अब हम अटैक वेक्टर को अगर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तो डिक्शनरी हम ऐड कर चुके हैं 1 के लिए भी और ये 2 के लिए भी आपके ऐड होगी, ये आपको इस तरह से नज़र आएगी। सिंपली आपने स्टार्ट अटैक पे क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट अटैक पे क्लिक करेंगे आपको ये एरर आ रहा है, इसको क्लोज कर दें तो यहाँ पे आपके पास अटैक वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। और राइट नाउ आप यूज़र नेम और पासवर्ड पर पेलोड 1 एंड पेलोड 2 दोनों एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे ब्रूट फोर्स हो रहा है वेब पेज, तो ब्रूट फोर्स होने देंगे। यहाँ पे जो लोडिंग हो रही है फॉर ईच यूज़र नेम फॉर ईच पासवर्ड ट्राई करेगा जो हमने पासवर्ड के सेक्शन में डाला था, तो ये इस तरह ट्राई करता जाएगा और हमें ये रिस्पॉन्स यहाँ पे नज़र आता जाएगा।
तो यहाँ पे स्टेटस हमें मिल रहा है 302। बेसिकली 302 को अगर हम देखें तो 302 हमें क्या कहता है, 302 कहता है कि यूज़र नेम एडमिन और एडमिन 12 जो है ये मैच नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास जो है एरर आ रहा है 302 का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी राइट नाउ कोई भी मैच नहीं हुआ। तो अगर मैं डिक्शनरी को थोड़ा सा अमेंड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सारे 302 हैं, कोई एक भी मैच नहीं हुआ, तो एरर 302 की जो मज़ीद डिटेल है उसको आप गूगल कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ, कनेक्शन क्लोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम राइट नाउ इस तरह से करते हैं कि इसको हम ज़रा क्लोज़ कर दें, तो डिस्कार्ड कर देते हैं। अब सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शंस, सॉरी पेलोड्स हैं हमारे, तो हम इसमें क्या करते हैं, सिंपली कुछ और ऐड करते हैं। फॉर द वन वी ऐड अनदर यूज़र नेम टेस्ट ऐड, और यहाँ पे हम सेकंड नंबर के लिए भी टेस्ट को ऐड करते हैं, तो ये भी हमने टेस्ट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमने यूज़र नेम के लिए भी टेस्ट को ऐड कर दिया, पासवर्ड के लिए भी हमने टेस्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, और ये ब्लैंक फील्ड है, रिमूव आप करना चाहें डिक्शनरी में कोई वर्ड तो आप यहाँ से इसको सिंपली रिमूव कर सकते हैं। अगेन हम क्या करते हैं, जो हमारा अटैक चैनल है इसको स्टार्ट करते हैं। सो स्टार वी विल गोना स्टार्ट द अटैक एंड सिंपली इसको क्लोज करते हैं। तो राइट नाउ हमारा अगेन जो अटैक है वो स्टार्ट हो चुका है हमारी ये वेलन वेब के ऊपर। तो थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास लोडिंग हो रही है, तो इसको हम अटैक वेक्टर को इसी तरह से चलने देंगे गाइस। सो हियर वी गो, यहाँ पे हमारे पास जो कनेक्शन क्लोज, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं इसका डिफरेंस 302 का और 200 का। 200 बेसिकली आपको जो है ये हमारे सक्सेस से रिलेटेड है कि अगर हम टेस्ट यूज़र नेम और टेस्ट पासवर्ड यूज़ करते हैं इन दोनों फील्ड्स में तो हमारा जो लॉगिन है वो हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 200 रिस्पॉन्स आया, तो हम टेस्ट से लॉगिन करके देखते हैं। तो हम सिंपली हमारे बॉबसूट को क्लोज़ करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। सो यहाँ पे हमें फायरफॉक्स में इसको रन करने के लिए अगेन हमारे जो प्रेफरेंसेस है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क सेटिंग में हमारी जो प्रॉक्सी सेटिंग्स हैं उसको ख़त्म करते हैं, नो प्रॉक्सी। तो यहाँ पे अगर हम लॉगिन पेज पे देखें तो हम इसको अगेन रिफ़्रेश करते हैं राइट नाउ, तो ये लॉगिन पेज हमारे पास रिफ़्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या मैच हुआ था, 200 रिस्पॉन्स था हमारा टेस्ट पे, तो टेस्ट एंड यहाँ पे हमारा अगेन टेस्ट टाइप करेंगे, लॉगिन करेंगे। सो गाइस हियर वी गो, तो ये हमारे पास टेस्ट रिलेटेड जो है ये लॉगिन हो चुका है। तो हम बबसूट को इस तरह से यूज़ करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। तो हमने उसमें से एक अटैक जो है वो परफॉर्म किया इसके ऊपर, जो हमारा अटैक है ब्रूट फोर्स अटैक है। सो स्टूडेंट्स इस ट्यूटोरियल को अच्छे से देखिएगा, फॉलोअप कीजिएगा, और अगर आपको कोई हर्डल आती है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं।